और फिर रात के 12 बजे अचानक कोई नींद से बेदार हो और फिर ऐलान कर दे कि एक कमीशन बनने जा रहा है और उसका सरबराही भी मैं कर रहा हूँ, और फिर इस खुशफहमी में भी मुब्तला हो कि चंद उन इदारों का भी नाम ले ले जिन्होंने आपको सरबराही के लिए नहीं, आपको नौकरी के लिए इस जगह पे बिठाया है, तो फिर मेरे ख्याल से सुबह आंख खुल जाती है और इंसान की सारी हसरतें खत्म हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि 10 महीने के अंदर एक भी सीरियस बात इस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, दिन रात झूठ, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं। वजह तो ये थी कि उस दिन बजट पेश किया गया और जब सिलेक्टेड वजीर आजम ने अपना खिताब शुरू किया रात के आखिरी पहर में, तो उस वक्त उन्होंने यही कहा कि आज बजट पेश हुआ है और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिर वो जो कंटेनर है और जिस तरह किसी के अंदर जिन घुस जाए या कोई आसेब का साया हो जाए, इन पे कंटेनर का ऐसा साया हो चुका है कि उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, खुद हुकूमत में हैं, खुद हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं, लेकिन फिर वही तकरीर शुरू हो जाती है जैसे वो कोई एक बटन दब जाता है और बातें शुरू हो जाती हैं, और फिर परेशानी उस वक्त शुरू होती है कि लोग इनसे सुनना चाहते हैं कि आपने ये जो बजट के अंदर बहुत से वादे किए थे, बहुत सी बातें इक्तदार में आने से पहले की थी, उसमें से कोई एक चीज पॉजिटिव बताते कि बजट के अंदर हमने ये काम किया है। महंगाई आप इस तरह बढ़ाते हैं कि एक शख्स जिसका आज अपने आज घर के हमें अंदर, अब मेरे फिरदौस ख्याल आशिक से आवान साहिबा बताती हुई तो नजर आई। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं उनके मुताबिक तो वो कह रही कि ये फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान होगा कि डीजल ट्यूबवेल्स को सोलर ट्यूबवेल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और वो ये भी इसमें बताती हुई नीलम नजर आई कि $10,000 का बिल होगा ट्यूबवेल का, ये काम वो हमारी गवर्नमेंट में काश्तकार हो चुका देगा, है। बाकी का 75,000 तक प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी। ये काम पहले हो चुके हैं, सब्सिडाइज रेट्स पहले भी गवर्नमेंट छोटे काश्तकारों को देती रही है। मुसीबत तो ये है कि इनकी हर बात में ये होता है कि पाकिस्तान में पहली दफा होने जा रहा है। जिस तरह उस दिन उन्होंने कहा कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है, हालांकि आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल काट चुके हैं, इनके बड़े उन्हें गिरफ्तार कर चुके हैं, मियां नवाज शरीफ भी इससे पहले जनरल मुशरफ के दौर में गिरफ्तार रह चुके हैं, तो पता नहीं ये हर चीज को इनका पहली दफा है क्या।